नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। तीसरी लिस्ट निकल गई है। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन के समय सारणी के अनुसार आज यानी कि 4 मई को तीसरी लिस्ट निकलनी थी और देश भर के बहुत सारे केंद्रीय विद्यालयों में तीसरी लिस्ट निकल गई है। आज सुबह ही मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि तीसरी लिस्ट को कैसे देखना है, क्योंकि वीडियो मैंने बहुत सुबह बनाई थी, इसीलिए मैंने पिछले साल का रिजल्ट आपको देखना बताया था, पिछले साल की तीसरी लिस्ट। लेकिन अब क्योंकि थोड़ा समय हो गया है, अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों ने अपनी लिस्ट निकाल दी है, तो मैं आपको एक केंद्रीय विद्यालय का उदाहरण के तौर पर रिजल्ट दिखाना चाहूंगी जहां उन्होंने तीसरी लिस्ट की जानकारी दी है। देखिए, यह 4 मई है, आज की तिथि है, ऊपर साफ साफ लिखा है थर्सडे। देखिए 4 मई थर्सडे यानी कि गुरुवार, और यहाँ से हम सीधा इनके अनाउंसमेंट सेक्शन पर जाएंगे। अनाउंसमेंट सेक्शन पर हम गए, अनाउंसमेंट सेक्शन ओपन होगा और अनाउंसमेंट सेक्शन से जाने से देखिए हम गए और यहाँ पर देखिए थर्ड वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन क्लास 1 फॉर द एकेडमिक सेशन 23-24। थर्ड वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन क्लास 1 फॉर द एकेडमिक सेशन 23-24, और यहाँ पर उन्होंने लिस्ट भी दी हुई है। देखिए, जब आप यह जो लिस्ट है आपसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यह लिस्ट ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। ये मैंने पहले ही ओपन करी हुई थी। वजह यह है कि जिस दिन लिस्ट निकलती है उस दिन वेबसाइट्स पर बहुत ज़्यादा रश होता है, वेबसाइट्स को बहुत सारे लोग देखते हैं, ऐसे में बहुत बार वेबसाइट खुलने में परेशानी आती है। आप में से बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि मैम, वेबसाइट ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह ओपन नहीं हो रही है, वो खुल नहीं रही है। वजह यही है कि बहुत सारे लोग एक वेबसाइट को खोल रहे हैं, ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वजह से वह वेबसाइट खुल नहीं पा रही है। आप थोड़ा समय लीजिए, 2-3-4 घंटे के बाद फिर से ट्राई करिए, वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी आपके सामने और आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। तो यह तो मैंने वेबसाइट के माध्यम से आपको रिजल्ट बताया है और ये दिल्ली का नहीं बताया, क्योंकि आमतौर पर आप सभी लोग मुझे कहते हैं दिल्ली का ही रिजल्ट आप बताते हो, तो यह मैंने आपको असम का एक रिजल्ट बताया है। असम में खानापारा जगह है जवाहर नगर, वहाँ का बताया है। असम यकीन मानिए मेरे दिल के बहुत करीब यह राज्य है, क्योंकि मेरे पिताजी इंटेलिजेंस ब्यूरो से है और मेरे पिताजी की 4 साल पोस्टिंग असम में रही थी, गुवाहाटी में मेरे पिताजी रहे थे और उनसे मिलने के लिए आमतौर पर हम जाते थे, तो मेरा बचपन का कुछ समय असम में भी बीता है। तो इसीलिए जब भी आपको कोई जानकारी देती हूँ तो असम का उदाहरण ज़रूर देती हूँ। तो ये दिल्ली के बाहर एक अलग राज्य असम का उदाहरण दिया है जहाँ पर आज तीसरी लिस्ट निकली है। और इसी प्रकार से आप देश के किसी भी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, अगर वहाँ तीसरी लिस्ट निकली है तो आप रिजल्ट देख सकते हैं। जिन केंद्रीय विद्यालयों ने तीसरी लिस्ट आज नहीं निकाली है, इसका मतलब यह है कि दूसरी लिस्ट के दाखिलों के बाद वहाँ पर सीटें पूरी हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। और हाँ, अगर आपके बच्चे का नाम तीसरी लिस्ट के माध्यम से आया है तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बताएं, बहुत अच्छा लगेगा कि सबके शिक्षा परिवार के बच्चे अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में पहुँच रहे हैं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।